बड़ी खबर नूह से आ रही है, जहां प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई अब भी जारी है। अब इस कार्रवाई में सहारा होटल को गिराया गया। सहारा होटल की छत से पत्थरबाजी की गई थी। आपको बता दें, हिंसा में पथराव के लिए छत पर पत्थर जमा किए थे इसी सहारा होटल में, जिसको यहां बुलडोजर कार्रवाई के तहत गिराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह में सहारा होटल, जहां पर छत से पत्थरबाजी हुई थी हिंसा के वक्त, आज उसे गिराया गया है। बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर के तहत इस होटल को आज गिराया गया है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से प्रशासन की तरफ से लगातार तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हम नूह में मौजूद हैं और यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से लगातार बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है उन इमारतों पर, उन अवैध इमारतों पर और उन आरोपियों के घरों पर, दुकानों पर, जहां से हिंसा की शुरुआत की गई थी या जो लोग उसमें सम्मिलित थे। ये सहारा होटल है और ये होटल की छतों से भी पथराव किया गया था। हिंसा में शामिल जो लोग थे वो इसी होटल के अलग अलग हिस्सों में खड़े थे और वहां से लगातार जब शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो लोग बाहरी हिस्सों में थे उन पर पथराव किया जा रहा था। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से जो अवैध रूप से रोहिंग्या आए हुए हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है और नूह के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती अभी भी नूह में, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है और इस पूरे मामले में 3 अलग अलग SIT टीम का गठन किया गया है जो लगातार इस पूरे मामले की जांच को कर रही है। वहीं आपको बता दें अब तक 104 FIR दर्ज की गई है, 216 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 83 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट दिखाया गया है। वहीं STF की 8 टीमें लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रही हैं। लगातार जो ये बुलडोजर है वो इसी तरह से चल रहा है। आपको बता दें बाहरी हिस्सों की अगर बात की जाए, बाहरी हिस्से में भी पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और लगातार धर पकड़ जारी है। आपको बता दें आज रविवार का दिन है और ऐसे में जो कर्फ्यू लगा है उसमें थोड़ी सी छूट आज ढिलाई बढ़ती जाएगी 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, जिससे कि जो लोगों को ज़रूरत का सामान जिनको लेना है वो ज़रूरत के सामान को खरीद सकें। वहीं इंटरनेट सेवा की बात की जाए तो इंटरनेट सेवा आपको बता दें कि 5 अगस्त तक पहले बंद की गई थी, उसके बाद उसकी जो मियाद है वो बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी गई है। ये बाहरी हिस्से का हम आपको फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये जो बाहरी हिस्सा था यहीं पर लोग छतों पर खड़े थे और वहाँ से लगातार पथराव किया जा रहा था। वहीं बाहरी हिस्से में आप देखें तो यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो भी ऐसे शख्स हैं उनको नहीं इस हिस्से में आने दिया जा रहा है। तो लगातार पुलिस की एक तरफ जांच चल रही है तो प्रशासन की तरफ से तोड़क कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में सरकार का साफ तौर पर कहना है जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में अभी भी यहाँ पर आपको एक तरह से कर्फ्यू नज़र आएगा, सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस बल की तैनाती बड़ी हिस्से में, पूरे नूह हिस्से में की गई है और लगातार जो जांच है पुलिस की वो की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है। 8 लोगों को जो नूह के रहने वाले थे, आरोपी राजस्थान गए हुए थे, उन्हें भी वहाँ से पकड़ा गया है और उन्हें लाया गया है। तो लगातार FIR दर्ज की जा रही है और गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। SIT की एक टीम जो बड़ी है उन तमाम वीडियो CCTV फुटेज को खंगाल रही है, जिससे कि आरोपियों की ज़्यादा से ज़्यादा पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जल्द हो सके। कैमरामैन हरविंदर के साथ दीपक दुबे, News 24 नू। चलिए, तो नूह की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है तो वहीं कुछ घंटों की ढील कर्फ्यू में दी गई है ताकि आम लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद सकें।